देश में कोरोना के चलते अचानक लगा लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे ज़्यादा भारी पड़ा है। उन्हें जब ये पता चला कि जिन फैक्ट्रियों और काम धंधों से उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ होता था वह ना जाने कितने दिनों के लिए बंद हो गया है, तो वह घर लौटने को छटपटाने लगे। ट्रेन बस सब बंद थी, घर का राशन भी इक्का दुक्का दिन का ही बाकी था। जिन ठिकानों में रहते थे उनका किराया भरना नामुमकिन लगा। हाथ में ना बराबर पैसा था और जिम्मेदारी के नाम पे बीबी बच्चों वाला पूरा भरा परिवार था। इस लॉकडाउन के कारण बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन की भी कमर टूट चुकी थी। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन की भी हालत खस्ता हो रही थी। धट्ठा बंद हो गया, लेबर लोग बैठ गया, माल का सप्लाई बंद हो गया, बाजार में डिमांड ही नहीं, गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा है, सब इसका दिक्कत हो गया। और उसके बाद पानी उनी का दिक्कत, ऊपर से बारिश, बारिश में सारा एकदम जितना कच्चा माल था सब बर्बाद हो गया। अभी लाइन पर पटरी पर आया है, आदेश आया ऊपर से, उसके बारिश का ही वही दिक्कत है। कुछ दिन, दो चार दिन चला, पाँच दिन ठीक ठाक से, फिर वही बारिश का दिक्कत। अब लेबर लोग यहाँ फंसा हुआ है, गाड़ी नहीं चल रहा है, इन लोग को भेज भी नहीं पाते हैं। ये एक ईंटे का भट्टा है जहाँ सिर्फ 6 से 7 महीनों तक ही काम करने का माहौल रहता है, और बरसात के आगमन के साथ ही यहाँ काम बंद हो जाता है। लेकिन इस साल लॉकडाउन और लगातार हो रहे बिन मौसम बरसात की वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ा है, जिसका असर मजदूरों और भट्टे के मालिक दोनों पे पड़ा है। ये भट्टा झारखंड के धनबाद में है और यहाँ काम करने के लिए मजदूर हर साल नवंबर के महीने में बिहार से आते हैं और जून में बरसात के आगमन के साथ वापस चले जाते हैं। लेकिन इस साल लॉकडाउन और लगातार हो रही बारिश की वजह से मजदूर और मालिक दोनों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर केंद्र सरकार ने ईंट के भट्टों को वापस से चालू करने का निर्णय लिया और फिर इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को कुछ राहत मिली। लेकिन बारिश की वजह से इन्हें काम करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं और नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। जून का महीना नज़दीक आ चुका है और फिर से भट्टा का काम बंद करने का वक्त आने लगा है। लेकिन उससे पहले सब चाहते हैं कि नुकसान की तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ पैसे जोड़ लें। और कोरोना के डर के बावजूद भी ये यहाँ काम करने को मजबूर हैं।